सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल इनोवेटिव कलाकार को और बेल आइकन दबाइए टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि सोशल मीडिया के यूजर्स काफ़ी भरी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इनके यूजर्स 10 बिलियन से ज़्यादा हैं। आपको फेसबुक के यूजर्स कहीं ना कहीं मिले, लेकिन व्हाट्सएप के यूजर्स आपको हर कहीं मिल जाएंगे। ऐसे में हैकिंग के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हैकर्स आपको हर तरह से हैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि ये कामयाब भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अपने व्हाट्सएप अकाउंट को आप हैकर से कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय सुंदरियाल और आप देख रहे हैं इनोवेटिव कलाकार। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉक योर व्हाट्सएप एप्लीकेशन। आप जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसको हमेशा लॉक पर रखें, ताकि कोई अननोन पर्सन आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज ना कर सके। ऑलवेज यू अपडेट एप्लीकेशन। अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसको यूज मत करें। जब भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करने का, तो प्लीज उसको इग्नोर मत करें, उसको तुरंत आप अपडेट करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा है व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ये व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन का फीचर है, इसमें चैट सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही पढ़ सकता है। पांचवा है व्हाट्सएप ऐप वेब लॉग आउट। व्हाट्सएप मैसेंजर पीसी या लैपटॉप पर तभी यूज करें जब आपका पर्सनल हो, अदरवाइज इग्नोर करें। अगर आप वेबसाइट के थ्रू अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप उसे लॉग आउट करना भूल जाते हैं, जिससे कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप साइबर कैफे में इसको यूज कर रहे हो तो आप प्लीज इसको यूज ना करें, ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। सिक्स्थ है फाइल ट्रांसफर। अगर आप व्हाट्सएप में कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे जेपीजी हो, पीएनजी हो, पीडीएफ हो, कोई भी फाइल हो, सबसे पहले आप उसे सेंड करने से पहले चेक कर लें कोई आपकी कोई पर्सनल फाइल वगैरह तो नहीं है। सेवन्थ है ब्लॉक अननोन पर्सन। अगर आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में कोई अननोन पर्सन ऐड है तो उसको जरूर ब्लॉक कर दें, और किसी भी अननोन पर्सन की फाइल को एक्सेप्ट ना करें। यानी कि अगर कोई अननोन पर्सन आपको व्हाट्सएप के थ्रू कोई फाइल भेजता है तो उसको ओपन ना करें, जब तक कि आपको ये ना पता हो कि वो पर्सन है कौन। एट है ऑलवेज यूज ऑफिशियल ऐप, यानी कि आप ऑफिशियल ऐप ही यूज करें। कई बार आप प्ले स्टोर में जाते हो तो फेक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाली तो कई तरह की व्हाट्सएप एप्लीकेशन खुल जाएंगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पर्पज से काफी रिस्की होता है। नाइन्थ है ऑफ ऑटो फाइल डाउनलोड ऑप्शन। जो व्हाट्सएप में जो डाउनलोड का जो ऑप्शन आता है उसको हमेशा मैनुअल रखना चाहिए। आप मैनुअली ही किसी और डाउनलोड करिए। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में आपको किसी ने फाइल भेजी तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको सेटिंग में जाके आप मैनुअल कर सकते हैं, ताकि आप जिस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो आप उसी फाइल को डाउनलोड करें। अगर आप ऑटो डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी फाइल्स आ जाएं जो कि इनक्रिप्टेड हो और आपके फ़ोन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हो, तो इसलिए हमेशा ऑटो फाइल डाउनलोड को ऑफ ही रखना चाहिए। लास्ट है डोंट ओपन अननोन फाइल। किसी भी अननोन फाइल को आप ओपन ना करें, जब तक कि आपको उस फाइल के बारे में पता ना हो तो प्लीज़ आप उसको कभी ओपन ना करें। हो सकता है कि अगर आपने उसको ओपन किया तो आपके फ़ोन में वायरस भी आ सकता है और हैकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपके फ़ोन की गैलरी में जितने भी फोटोज़, वीडियोस और फाइल्स रहती हैं सबको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो तरीके जिससे आप अपना व्हाट्सएप बचा सकते हैं। आगे भी ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। दोस्तों, आपका एक लाइक काफ़ी कीमती है, सो प्लीज़ कीप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। देखते रहिए इनोवेटिव कलाकार।